नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद आप देख सकते हैं रेलवे ने एनटीपीसी का एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं सीएन 1/2019 एनटीपीसी ग्रेजुएट लोग, जिसमें करोड़ों लोगों ने इस फॉर्म को भरा है पूरे भारतवर्ष में, उसका फॉर्म स्टेटस आ गया है। अब आप जान सकते हैं कि 15 दिसंबर से जो परीक्षा हो रही है उसमें आपका फॉर्म एक्सेप्ट है कि नहीं। तो मैं भी आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ, पूरा लॉग इन करूंगा और चेक करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और जो लोग अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं उनको भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, उसका भी सलूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो नोटिस आज से 2-3 दिन पहले रेलवे ने जारी की, जिसमें बताया गया कि 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप अपना एप्लीकेशन का फॉर्म स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। यानी कि आप जान सकते हैं आपने जो फॉर्म भरा था वो रेलवे के पास एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं रिजेक्ट हो गया हो तो उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? तो उसका लिंक आपको मिलेगा, तो दोस्तों लिंक आपको मिलेगा नंबर 1 वेबसाइट, जी हाँ दोस्तों, जिस पे आपने रेलवे का फॉर्म भरा था, sarkaririzult.com। जी हाँ दोस्तों, फेमस, पॉपुलर और नंबर 1 ट्रस्टेबल वेबसाइट sarkaririzult.com। लेकिन एक चीज़ का ध्यान लगाना है आपको कि सरकारी रिजल्ट जब भी खोलना है .com जरूर चेक करना है, क्योंकि गूगल पे सरकारी रिजल्ट लिखने पर बहुत सी डुप्लीकेट और फेक वेबसाइटें आती हैं, लोगों पहचान लीजिए और .com पे बिल्कुल नज़र रखिए। तो आपको यहाँ एडमिट कार्ड सेक्शन पे जाना है, देख सकते हैं फॉर्म स्टेटस आ चुका है। मैं आपको एक साइट और दिखा देता हूँ, फिर हम सीधा चलेंगे आपको स्टेटस चेक करने पे। तो दोस्तों हमारी दूसरी वेबसाइट है rozgarrizult.com। जी हाँ दोस्तों, सरकारी रिजल्ट की तरह ही ट्रस्टेबल, जेन्युइन, लेकिन इसमें आपको बहुत सी अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आपको अदर रिक्रूटमेंट फॉर्म वगैरह भी आपको इसमें मिल जाएंगे, जो देख सकते हैं अदर अदर है। तो चलिए सीधा हम चलते हैं रेलवे के फॉर्म स्टेटस में। ये देख सकते हैं रेलवे NTPC का फॉर्म स्टेटस आ चुका है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं। बता दूँ आपको इसका जो फॉर्म स्टेटस है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म इसका जो है, आप स्टेटस जो 21 सितंबर से 30 सितंबर तक चेक कर सकते हैं, और एग्जाम इसका 15 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं फॉर्म स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे। आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है, ये देखिए चेक फॉर्म स्टेटस का लिंक है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जिस RRB के लिए फॉर्म भरा था उस पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए मैंने इलाहाबाद के लिए किया था तो मैं इलाहाबाद कर देता हूँ। और जो दोस्त हमारे अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए उनको क्या करना है, उनको देखिए यहाँ लॉग इन करने के बाद यहाँ देखिए नीचे आ रहा है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या भूल गए, इस पर क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक करते मैंने यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है, और ये कैप्चा डाल देना है आपकी ईमेल आईडी पर, और मोबाइल पे इसका जो नंबर है वो पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम और टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं फॉर्म के स्टेटस पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है डालने के साथ ही साथ इस कैप्चा को जो है डाल देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, और डेट ऑफ बर्थ आपको इस तरीके से डालनी है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए है 15 अगस्त 1994, तो 15-08-1994 इस तरीके से डालना है इसको, और आप मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं है। इसके बाद डालने के बाद आपको यहाँ लॉग इन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये देखिए लॉग इन करते ही मान आपको दिख जाएगा ऊपर ग्रीन कलर से, ये जैसे मेरे कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट है, लिख के आ रहा है योर एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कीप विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB फॉर द फर्दर अपडेट। यानी कि हमारा फॉर्म जो है एक्सेप्ट है। अगर आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट है तो उसके लिए क्या करना, उसके भी कोई नोटिस नहीं आई है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी उसकी सूचना आती है। जैसे बहुत से लोगों का फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ था ग्रुप डी में, आपको बता दें फोटो की वजह से रिजेक्ट हुआ था, और भी अदर जैसे एलिजिबिलिटी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड कुछ इशू आते हैं, पेमेंट इशू के कारण भी बहुत से लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। तो आपको तुरंत ही अपना स्टेटस चेक करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका फॉर्म रिजेक्ट कैंडिडेट में तो परेशान मत होइएगा, रेलवे उसके लिए अलग से नोटिस जारी करेगा। लेकिन उस नोटिस के लिए, उस नोटिस पे आपको तुरंत ही जो उस पर जो भी उसके रूल्स होंगे उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और लेकिन अभी ये कोई जरूरी नहीं है कि रेलवे रिजेक्टेड कैंडिडेट को जो है कंसीडर करे, अगर रेलवे करता है इसको कंसीडर तो नोटिस जारी करेगा, वरना नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमको इजाजत।